सो आई गेस तन्मय द साइड फ्रॉम वेजीपाजी और ये है 8th एपिसोड ऑफ द कोलकाता फूड सीरीज। अगर आपने सारे बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं यहाँ पे आई बटन में लिंक्ड होंगे, जाके चेकआउट करना। और आज के वीडियो में बहुत सारा हम लोग खाने खाने वाले हैं। बेसिकली कोलकाता में एक जगह है चाइना टाउन जहाँ पे बहुत सारा नॉनवेज खाना मिलता है, तो मैं वहाँ पे गया था और तिरेत्ता बाजार में मैंने कोशिश करी वेज खाना ढूंढने की। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्वीट्स खाने वाले हैं और कोलकाता में इतनी सारी स्वीट्स मिलती है मुझे पता ही नहीं चला। कोलकाता में जाके पता चला इतनी वैरायटीज है, जो हम लोगों के दिमाग में होता है ना कि ये रसगुल्ला संदेश ये बंगाली स्वीट्स है, वो सब कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा भी इस वीडियो में इतनी सारी वैरायटी है स्वीट्स की, आप वीडियो पूरी एंड तक देखो आपको पता चलेगा। इस वीडियो में स्वीट्स खा रहे हैं, झलमुरी खा रहे हैं हम लोग, पूरी सब्जी खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग टाइप के शरबत पी रहे हैं, बेर शरबत पी रहे हैं हम लोग, फिर सत्तू शरबत पी रहे हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट जाकर वीडियो लाइक कर दो और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कोलकाता किस चीज़ के लिए जाना जाता है। पुचको के लिए जाना जाता है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, जो यहाँ पे आई बटन में आ रहे होंगे, पुचको के लिए जाना जाता है या अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है, बताना जरूर। मेरे को जानना है कि आप लोग क्या सोचते हो कोलकाता किस चीज़ के लिए जाना जाता है। और आपने अभी तक अगर ट्रैवलिंग पाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो ट्रैवलिंग पाजी को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोलकाता में घूमने की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब ट्रैवलिंग पाजी में आ रही है। आई बटन में लिंक आ रहे होंगे, जाके सब्सक्राइब करो। वेजी पाजी पे नए आए हो तो किस बात की देर कर रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। मुरी कौन कौन सा है? मुरी है, लामदाना है, चिवड़ा है, चावल है। धीरे धीरे धीरे, कौन कौन सा है? गोल दाना का है। हाँ, ये गोल दाना है, वो लामा दाना का है। अच्छा, और ये वाला कौन सा है? चिड़े भाजा। ये चिड़े वाला, और ये वाला चावल भाजा है। कितने 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 वाले? कम से कम 10 रुपये का मिलेगा। अच्छा, तो ये 10 वाला एक ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो। अदरक थोड़ा सा डालना और नारियल डाल दो। ये खाइएगा। ये क्या है? चटनी। चटनी किसका है? धनिया पत्ता अदरक डाल दो। ये क्या है? तेल, सरसों तेल। किसका? सरसों। हाँ डाल दो। हाँ ये डालना, ये अच्छे से डालना। बस आगे देखो, तो मसाला टेस्ट कर दो। मिर्च, हाँ बस। और बस तेल, तेल और वो डाल देना। ये बनाने का तरीका सारा एक ही जैसा होता है सबका, ये मूरी बदल जाती है। कौन कौन सा वाला? ये कौन 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 सा वाला है? ये अच्छा चिवड़ा वाला कौन सा है? इधर बीच वाला। तो अभी हम लोग तिरेत्ता बाजार में घूम रहे थे, तीन मूरी लिए अलग अलग टाइप की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप की मूरी है। मस्त हम लोग व्यू के साथ मूरी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास एक तो तीन, तो एक पफ वाली मूरी है हमारे पास, एक है हमारे पास चिवड़े वाली मूरी और एक है एक राइस मूरी है। तीनों ट्राई करते हैं कैसी है। दिस इज कोलकाता भेलपूरी, टिपिकल कोलकाता स्ट्रीट फूड गोइंग इन। स्पाइसी बनवाया, एक्स्ट्रा स्पाइसी विद एक्स्ट्रा सरसों का तेल, कमाल के। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपने कभी झालमुरी खाई है कि नहीं। अब ये वाली खाते हैं, ये राइस वाली है। तीनों के तीनों प्रिपरेशन सेम है, बस मूरी मूरी चेंज है। ये सच्ची है, ये चिवड़े वाली है। जैसे मैंने आपको मूरी की मेकिंग की वीडियो में भी दिखाया, इसके अंदर अलग अलग टाइप की नमकीन डली हुई है, नारियल डला हुआ है, अदरक डला हुआ है, प्याज, खीरा, आलू, बहुत सारी चीज़ें डली है। ये चिवड़े वाली मूरी है। बस ये वाली है। फिर रुकते हैं थोड़ी देर, बैठते हैं अपनी मूरी एंजॉय करते हैं।
फिर आगे चलते हैं कुछ और ढूंढने, क्योंकि कोलकाता का वेज खाना तो आज खा के ही रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे, ये नीचे आ जाइए आप, दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरी सब्जी ली है और साथ में इतना बड़ा पीस जलेबी का मिला मुझे, 14 rupees इसका प्राइस है, पत्ते में सर्व हुई है, आई थिंक एक वो ऐसा, अच्छा एक जलेबी और एक पूरी दे दिया मुझे। अरे भाई अभी खाना खा रहे हैं, अभी नहीं नीचे करने का, कुछ ऊपर से आ रहे हैं भाई, अभी खाना खा रहे हैं, अभी अभी रुक जा बाद में। अब आप कॉमेंट करके बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप खाना खा रहे हो और ऊपर से कुछ प्रसाद मिला हो? चलो सॉरी पर भाई मैं आपको बताया, अगर आप वेजी भाजी चैनल पे वीडियोस कुछ महीनों से देख रहे हो तो आपको पता होगा माय अनडाइंग लव फॉर अमृतसर की जलेबी। अब कलकत्ता की जलेबी में वो बात कहाँ रही है। नींबू ज़्यादा डालते हैं, नींबू और मिर्च ज्यादा। तीन हाँ डाल दो, दो डाल दो। काफी रिफ्रेशिंग। देखा नींबू और मिर्च जलवाने से अच्छा लग रहा है ना, एक्स्ट्रा नींबू एक्स्ट्रा मिर्च। क्या क्या है ये? भेल मुरब्बा। भेल मुरब्बा हाँ। रसगोल्ला। रसगोल्ला रसगोल्ला पानतुआ। पानतुआ ये क्या होता है? पानतुआ छेना दिए ठीक। ये हलो छेना केक। छेना केक छेना पोड़ा जैसा केक। छेना पोड़ा केक 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 मिल्क केक। खीरेर पेड़ा। हां एटा खीरेर पेड़ा। खीर पेड़ा हां पेड़ा ठीक। एटा में छेना संदेश। छेना संदेश। एटा मालपुआ। मालपुआ मालपुआ पुआ। आए सिंगाड़ा चो और लड्डू। हां लड्डू और ए थोड़ा वाला छेनार पायस। छेना पायस। छेना पायस आउटा होके पार्टी सप्ता। कॉम्प्लिकेटेड नेम्स। एक ये भी लेते हैं, ये खाने वो मिल्क केक है। वो तो मिल्क केक है। एक ये देना। और एक ये भी देना। अबे अबे हाँ खान। कितना? 40 ना 40। तुम लोग वापस जा ही रहे थे कि हम लोगों की नज़र पड़ी है एक स्टॉल पे जहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स लगी हुई थी। वहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ स्वीट्स ले लिए और सृजक को भी पूरी बंगाली भैया की नहीं समझ आई क्या बोला दादा ने। तो हम लोगों के पास कुछ कुछ स्वीट्स हैं अभी, जैसे ये हैं, ये इनके नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो जस्ट इसको खा के देखता हूँ। ये देखो ये मेरे को ना एक डोसा टाइप का, मेरे को बेसिकली पूरणपोली जैसी लग रही है, जैसे महाराष्ट्र में पूरणपोली मिलती है। ये तो मेरे को एक तरीके का फ्रूट ही लग रहा है। और यहाँ पर हम लोगों के पास है, ये तो मालपो है अपना, और ये क्या अपना मीठा 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 समोसा। वॉस तेरे को पता था ये मीठा समोसा है। और ये छेना पाया। छेना पाया कुछ भैया कर रहे थे, समझ नहीं आया क्या है। चलो अब खाते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या अलग अलग टेस्ट है।
तो अभी देखते हैं, खाते हैं इनको, अलग अलग टेस्ट है क्या क्या है। अगर आपको इनके नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या नाम है इनके, क्योंकि थोड़ा बंगाली मेरा बहुत वीक है, थोड़ा क्या बहुत वीक है। ओ, ओ, का तो बहुत ही अजीब टेस्ट था। वेरी गुड, कोकोनट डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है, और ये डोसा टाइप की एक रोटी है। बेसिकली यही है फूड ब्लॉगिंग, कुछ बहुत बेकार होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ये दिखाए, पर आज ये भी आ ही गया। तो सर जूसी ऑयली यम्मी स्वीट समोसा दिखाता हूँ आपको, पास आओ। प्योर मावा समोसा है, दिल्ली में मैंने बहुत जगह खा रखा है, खाते हैं देखते हैं कैसा है। बहुत अलग से टेस्ट आ रहा है कुछ, आई थिंक लॉन्ग डाली हुई है इसमें, ऐसा गुड़ वाली चावल का जैसे टेस्ट होता है ना, बहुत सही है। अभी एक्साइटिंग बात तो ये है कि हम लोगों ने ये 5 स्वीट्स लिए, इनका प्राइस था कितना, 40 रुपीज़ ना, सिर्फ 40 रुपये की 5 स्वीट्स लिए हम लोगों ने। और दूसरा एक्साइटिंग बात है कि हम लोग अभी इंडिया के स्वीट हाउस में, कोलकाता जो है विच इज़ द सिटी ऑफ स्वीट्स इन इंडिया, और एक भी मिठाई है बंगाली मिठाई नहीं है, बंगाली मिठाई संदेश वगैरह कुछ नहीं लिया, संदेश रसगुल्ला। समझ नहीं आ रहा क्या क्या खाया, कुछ याद आ रहा है, बहुत कमाल का है, बस बहुत मज़ेदार है। समझा, त्रेती बाजार आना सफल हुआ, 30 किलोमीटर चल के आके ये 5 मिठाइयाँ खाई, पर आज नॉलेज बढ़ाई हम लोगों ने। चीनी ज़्यादा मत डालिए, अपने हिसाब से आप बना दीजिए जैसा। इसका जूस निकलता कैसे है? और रगड़ना पड़ता है उसमें निकल जाता है। थोड़ा दिखाएंगे रे? पहली बार खा रहे ना तो देखना कैसा स्वाद होता है। इसको ऐसे निकाल के इसमें ऐसे रगड़ देते हैं तो उसका सारा रेशा निकल रह जाता है और नीचे जूस निकल आता है। क्या कहते हैं, बेर है ये? अच्छा, बेर, बेर तो बेर पाना। वो शिवरात्रि पे चढ़ता है, वही है वो। अच्छा, वो बड़ा बड़ा वाला ये। अभी हम लोग ये बेर खा रहे हैं, ये बड़ा बेर है, छोटा वैसे मेरे को तो छोटा वाला पता था, ग्रीन वाला, बट ये बड़ा वाला है, इसको खा के देखते हैं। अच्छा, और इसी का हम लोगों ने जूस लिया, 20 रुपीज़ का ग्लास है, इसके अंदर इन्होंने नमक और चीनी वगैरह डाल के दिया, देखते हैं कैसा है। अलग है, डिफरेंट है, हेल्दी है, कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है जी। ऐसा होता है, आप लोग चलते रहते हैं रास्ते में और बीच में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता है और फिर रुक के खाते हैं। विजाग आगे चले गया था, तूने पी रखा है ये? मैंने कभी नहीं पिया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें ना, आई थिंक वो पूरा एकदम जमा जमा होता ना, ठंडा होता, एकदम ताज़ा ताज़ा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सबसे फेवरेट पार्ट था इस वीडियो में, बिकॉज अलग अलग टाइप की मूरियाँ खा के मुझे तो बहुत मज़े आए, और साथ ही साथ में वो जो मैंने इतनी सारी यूनिक यूनिक जो डेजर्ट्स खाई थी, जो मिठाइयाँ खाई थी, मज़ा आ गया। मतलब इस वीडियो में इतना सारा यूनिक और बढ़िया और सारा का सारा बेस्ट पार्ट है वेजिटेरियन खाना था हम लोगों ने ढूंढना, आपने और मैंने मिलके त्रेती बाजार में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे DMs करे थे और इंस्टाग्राम पर बहुत हेल्प करी थी मेरी, और
YouTube पे बहुत हेल्प करी थी जगह ढूंढने में, इस बार दोबारा एक हेल्प करो। अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर महीने के एंड में, आप लोग मुझे Instagram पे मैसेज करके बताओ जयपुर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे भी नीचे कमेंट करके बताओ कि जयपुर में कौन कौन सी सबसे बढ़िया खाने की जगह है, मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसा ही वेजिटेरियन खाना आता है अलग अलग स्टेट्स का, सारा प्योर वेजिटेरियन हफ्ते में 4 बार। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ट्रैवलिंग पाजी को, जिसपे ट्रैवल का सारा कॉन्टेंट आता है, अलग अलग चीज़ें घूमने की, सीखने की, समझने की, वो सारा का सारा ट्रैवलिंग पाजी पे आता है। मैं तन्मय फ्रॉम वेजीपाजी अभी निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय नाउ।